बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ड्राई स्किन वालों के लिए एक ज़बरदस्त और आजमूदा होम रेमेडी लाई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आप मल्टीपर्पज़ के तौर पर भी अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। फाइन लाइंस के लिए बहुत बेहतरीन है, लिफ्टिंग से हो जाती है स्किन की और ओपन पोर्स भी काफ़ी हद तक क्लोज हो जाते हैं। चलें अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम खुश्क दूध लेंगे, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम राइस फ्लावर लेंगे और 1 टीस्पून हम बार्ले पाउडर यानी कि जौ का आटा। अब हम इसकी पानी के साथ इसकी पेस्ट बना लेंगे। बहुत थिन नहीं करनी, थिक सी पेस्ट बना के इसमें अब 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डालेंगे। मेरे पास 97% है एलोवेरा जेल, आपके पास अगर 100% हो तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी, तो वो मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें विटामिन ई ऑयल के चंद कतरे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हो तो उसमें से आप 2 वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें विटामिन सी का सीरम यूज़ करेंगे, 100% अगर आपको मिलता है तो इसमें सीरम यूज़ होगा, विटामिन सी का सीरम। अब इसको मिक्स करें अच्छी तरह। अगर आपकी ड्राई स्किन के साथ हाइड्रेटिंग स्किन भी है तो आप इसमें चंद कतरे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चंद कतरे इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगी। जब आप ये फेस पैक लगाएं चेहरे पे तो इसको 10 मिनट के बाद लुकवॉर्म वाटर से वॉश कर लें, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। यह है हमारा ज़बरदस्त था फेस पैक तैयार है। आप इसे यूज़ करें, सर्दियों में आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा ये और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी होम रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। आपको ये मेरी ब्यूटी टिप अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और भी बहुत अच्छी अच्छी और अपनी आजमूदा रेमेडीज शेयर कर सकूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।